ऋषभ दोनों जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम, और वहां जाके फिर XUV 300 का ड्राइव मतलब टेस्ट राइड लेंगे, अगर मिलेगा तो ले लेंगे टेस्ट राइड, ठीक है? नहीं जस्ट हम ऐसे ही बता रहे हैं कि कितना धूप है इधर यार, बहुत ज्यादा धूप है, ऊपर से इतना ज्यादा हवा भी बह रहा है, गरम गरम पूरा हवा बह रहा है, लगता है एकदम पकौड़ा बन जाए यहाँ पे यार, ड्राइव पकौड़ा मेरा बन जाए। बस उसकी ये कितना इंच का है ये वाला बीच वाला 10 दिन में आया था, अभी 13th फ्लोर पे रहता है, मस्त एकदम ऊपर। ओवरऑल बता जाए बहुत कॉलेज है, आराम से आप देख सकते हो, जिसका कोई नहीं उसका भी ट्रेन कट है, बहुत कहीं कॉलेज नहीं है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आइए आराम से मिल जाएगा आपको कॉलेज, मार होगा आपको कॉलेज में लेने। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेल, आई एम मेकिंग यू वॉच माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम और ऋषभ दोनों जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम, और वहां जाके फिर XUV 300 का ड्राइव मतलब टेस्ट राइड लेंगे, अगर मिलेगा तो ले लेंगे टेस्ट राइड, ठीक है? नहीं तो ओवरव्यू दे के मतलब एक वॉक अराउंड वीडियो बना के आ जाएंगे। और यहां इसीलिए हम बना ले रहे हैं क्योंकि यहां पहला बात कि हमके रूम पे उतना कुछ करने को रहता है नहीं, कि दिन भर हम पूरा रूम में ही रहते हैं अभी, और क्योंकि धूप भी है जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, धूप वगैरह तो है अभी अच्छा खासा अमाउंट में, तो सोचा गया कि अभी ज़्यादा दूर ना जाके, मतलब दिल्ली साइड भी जा सकते थे वैसे घूमने वगैरह के लिए, पर लेकिन उससे अच्छा तो जाके ऐसे ही महिंद्रा का XUV 300 जो आया है उसका अगर मिलेगा तो टेस्ट राइड और दूसरा वॉक अराउंड वीडियो बना लेने का। तो ऋषभ से हम बात कर लिए थे कल, तो आज बोला था आज के बारे में ही, तो अभी भी हम उससे बात किए तो फिर रेडी है वो भी चलने के लिए, तो चलते हैं पहले यहाँ से ऋषभ के हॉस्टल की तरफ जाएंगे बाइक से। और इस बार तो हम अपना हेलमेट और हेलमेट माउंट तो लेके आए बट लेकिन हम अपना हेलमेट नहीं लेके आए, और यहाँ पे जो मेरे पास हेलमेट है उसमें यहाँ पे चिन वाला पार्ट जो होता है वो सॉरी ये वाला जो पार्ट होता है वो इसमें नहीं है, दोनों हेलमेट में से किसी में हेलमेट में नहीं है, तो इस कारण से भी मोटो ब्लॉगिंग यहाँ पे हम नहीं कर सकते, बट फिर भी कोई बात नहीं, अभी चलते हैं इसको हेलमेट को लेके बाइक से ही जाना, तो चला जाए फटाफट, लेट्स गो। हो चुका है रेडी बाइक और थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया, बाइक अभी है ही मेरे पास तो दिक्कत नहीं है इसमें, जो भी कर देते हैं क्योंकि लाइट हमेशा नहीं रहता है, और थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट का थोड़ा फीलिंग लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम ऐसे ही बता रहे हैं कि कितना धूप है इधर यार, बहुत ज्यादा धूप है, ऊपर से इतना ज्यादा हवा भी बह रहा है, गरम गरम पूरा हवा बह रहा है, लगता है एकदम पकौड़ा बन जाए यहाँ पे यार, ड्राई पकौड़ा मेरा बन जाए, बहुत ज्यादा धूप है एक्सट्रीम, मन तो नहीं कर रहा अब जाने का, लेकिन अब जाना पड़ेगा, अब बना लिए मन तो जाना पड़ेगा, मन मन है, मन को मनाते रहो और काम करते रहो बस, और नॉलेज पार्क की तरफ जाना है हमको पहले, ऐसे ही टर्न होगा बड़ी चौक के, अब लोकेशन भेज दिया है, चलते आगे बढ़ते हैं। वीडियो भी बनाएंगे ना, जो भी पहले लस्सी वगैरह पीने आ गए हैं, ऋषभ को पीना था हमको भी पीना था, लेकिन एक दिक्कत यही है कि हमको सर्दी हो रखा है पहले से, भैया सबको स्नैप भिजवा रहे हैं इससे। वन टच में नहीं, वो की अंदर डालना पड़ेगा, की लेके किसे लगेगा क्या? आया हुआ था महिंद्रा पे और अभी चेक कर लिए अंदर, XUV 300 का वीडियो वगैरह बनाना था वो बना के अभी निकल चुके हैं बाहर में, और जो भी थोड़ा मेरा क्लिप होगा वो भी ऐड कर देंगे इसी वीडियो में भी, और उसका लिए तो रखेंगे। और यहाँ पे देखो स्कॉर्पियो एन है, ऋषभ भी रेडी है, तुम पे यही शूट करेगा भाई समझा, स्कॉर्पियो एन हाँ भाई प्रीमियम क्लासिक, वो भी अच्छा है, लेकिन बाउंस बहुत करता है वो, अब हो गया ना, अब डैम्प कर दिया उसका शॉकर, अब बाउंस नहीं करता नया वाला मॉडल, पुराना वाला तो उछलता था। हाँ अभी वाला सही है, मस्त व्यू आ रहा है 13th फ्लोर से ना, 13th सही है। ये ऋषभ का हॉस्टल इसी में आया हुआ था, अभी 13th फ्लोर पे रहता है, मस्त एकदम ऊपर, अभी तो रूम दिखाना है, मैं पूरा वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, अपलोड भी कर रहा था, उसी में रह गया बट, लेकिन फिर भी आएंगे अभी शाम में भी एक बार आएंगे, रूम टूर नेक्स्ट डे, हाँ शाम में आएंगे कार से या बाइक से, तो फिर देखेंगे चाय वगैरह पीने आएंगे ना, तो फिर करा जाएगा देखा जाएगा, आओ आओ घुमाओ।
शाम हो चुका है और भैया भी आ चुके हैं और अभी वही 7:30 या 8 बजे के बीच में हो गया होगा टाइम। वो कार में बैठने के बाद बताते हैं कितना टाइम हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी कार लेके ही निकल रहा है, हम अकेले निकलेंगे अभी और ऋषभ को उधर ही से पिक करेंगे, उधर मतलब पिक क्या करेंगे, उधर ही जा रहे हैं तो वहाँ पर मिलेगा। तो कार को किया अनलॉक और ये हो गया रेडी टू गो। बैठ जाते हैं, सबसे पहले तो इसको अंदर बैठने के बाद फोन ही कनेक्ट करेंगे अपन। तो अब इसको पहले रख देते हैं। अबे अबे आराम से आराम से। इसको किया ऑन। अरे यार ये तो वो चल रहा है। अब इसका पहले करते हैं ये इंफोटेनमेंट कनेक्ट, मीन्स कि म्यूजिक ऑन करके चलना है। तो फटाफट कनेक्ट करते हैं और सीट बेल्ट लगा के निकालना है। ठीक है, चाहे लगा भी लेते हैं सामने। और ये यही जूडियो वाला जो शर्ट लिए थे जूडियो में जाके, वही वाला ये शर्ट है, सही लगता है। ठीक है चल भाई, अभी 1029 किलोमीटर चले गया भाई, क्या ही बोले आप। चलो हाँ, तो अभी ये जो जहाँ पे आया था ना, कौन सा एरिया था वो? ये नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क वाले एरिया में ना, टू में, नॉलेज पार्क टू में हर जगह ऑलमोस्ट ना एक राउंड अगर लगाओगे ना तो सारा आपको कॉलेज मिलता चला जाएगा। जैसे कि अभी MET आया इधर, तब हमको याद आया कि हम वीडियो वगैरह नहीं बना रहे, बट लेकिन अभी बना लेना चाहिए। तो ऐसे ही नॉर्मल इस ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन टाइप हम शेयर कर दे रहे हैं। बात बाकी इसका प्रॉपर अगर मन करेगा तो कल हम प्रॉपर इसका वीडियो बना लेंगे, इसमें कौन सा कॉलेज आता है क्या भाई। कम से कम 50 से 60 कॉलेज है। अच्छा देखो, इतना ज्यादा कॉलेज है अभी। और गलगोटिया जिसमें ऋषभ पढ़ता है वो उधर है, उस साइड है, थोड़ा दूर है उधर। और एक गौतम बुद्ध भी उधर ही है ना। गौतम बुद्ध जिधर हम लोग कार चलाने के लिए जाते थे उधर ही है, ऋषभ का भी उधर ही, लॉ वाले का भी उधर ही है, इस कारण से यहाँ पे भी वही है। अच्छा, इधर पूरा आपको इधर कॉलेज ही मिलेगा, ये कॉलेज ही वगैरह वहाँ पे स्टूडेंट्स भी तो दिख ही रहे हैं। और इधर मतलब ये मेन एरिया जो सर्विस रोड टाइप है, इसमें थोड़ा सा सुनसान टाइप रहता है, यही एक चीज थोड़ा सा टेंशन है। और हम लोग रात में, अभी रात का 9 बज रहा है, इनफैक्ट बाबा रे बाबा हम भूल ही गए थे, रात का 9 बजने वाला है और हम लोग अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। रोड ना पाइये हो रहा है। किधर जाना है, लेफ्ट सीधे? नहीं, और कॉलेज है भाई। अच्छा, रात खत्म कब हुआ है? अच्छा इधर ही है, आगे है और कॉलेज है, बहुत है अभी, 5 कॉलेज और बचा हुआ है इस रोड पे। अभी मतलब IILM एक कॉलेज कोई था, पता नहीं कौन सा था, एक IILM उधर जहाँ पीछे आ रहे थे उधर, GL बजाज, ट्रिनिटी, शारदा और IIMT, ये 4 बड़ा बड़ा कॉलेज देख लिया। और ऐसे छोटा मोटा कॉलेज तो बहुत सारा है। अच्छा, मतलब याद नहीं रहेगा भाई कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। साला कोई कोई आके एक KCC भी देखा होगा, बड़ा सा बोर्ड जो सर्कल वाला रोड है वहाँ पे से। अच्छा, कोई कोई आदमी आके पूछ देता भैया ये कॉलेज कहाँ है, साला गूगल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉलेज है और यहाँ पे कोर्स भी वगैरह तो सारा चीज होता है, BTech भाई, लैंग्वेज कोर्स से लेके BTech मैनेजमेंट, अभी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आएगा वो भी। अच्छा, और MET तो उधर ही है ना, गलगोटिया के साइड ही ना? नहीं, MET अलग है, ये रहा लॉयड। अच्छा, पीछे MET था ना, सॉरी। हाँ, ये रहा लॉयड, ये भी कॉलेज है ना, ये तो AC के नाम पे ना लॉयड ग्रुप वालों का है। अच्छा, हो गया यहाँ पे टर्न करने का बारी। अच्छा, NIET है, NIT नहीं है, NIET है, थोड़ा फर्जी है लेकिन चल जाएगा। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पे बस कॉलेज 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 ही कॉलेज है, बस हॉस्टल कॉलेज, हॉस्टल कॉलेज यही है ना बस, और कुछ नहीं मिलने वाला है। बात बाकी इसमें यहाँ पे देखोगे, मेंशन करोगे कि कुछ है भी नहीं ऐसा, कुछ सामान वगैरह भी मिलना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि देख रहे हैं। दिन में खुला रहता है, दिन में मिल जाता है, चाय वगैरह तो मिल जाना चाहिए, यहाँ मिलना भी चाहिए। पीछे भी था एक स्टूल वगैरह लगाया हुआ था, तो वहाँ पे ये GLA यूनिवर्सिटी है। ये GLA है क्या, कि एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है? अच्छा, GLA यूनिवर्सिटी इधर पड़ता है, मतलब लगता है तो अच्छा कॉलेज, देखने में तो अच्छा कैंपस ही तो रहता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो कैंपस तो देखने को मिलेगा ही, अंदर में और भी बहुत चीज मिलता है, बट लेकिन कैंपस मेन होता है। और भी बहुत चीज क्या मिलता है जो तुम चाहते थे वही हम बोले, कोई दिक्कत नहीं। ये GNIUT। अच्छा कॉलेज है, MTech, MTech, BCom, BCom, BLA, BLA सब है, सब कोर्स आपको एक कॉलेज में मिल जाएगा। इधर भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ये कौन सा है, ये GN ग्रुप। अच्छा भाई, यहाँ पे तो है थोड़ा मोड़ा है, यहाँ पे खाने वगैरह का भी तो बेच तो रहा है। पीछे रोल वाला बहुत फेमस। अच्छा,
खाने पीने से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को भी इधर कोई कंफ्यूजन हो तो ऋषभ को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ऋषभ सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा। क्या भैया ना ऋषभ नाम से आराम से कोई आप बीमटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है। चले अभी इधर मतलब यही ओवरऑल बताया जाए तो बहुत कॉलेज है, आराम से आप देख सकते हो। जिसका कोई नहीं उसका ग्रेटर बहुत कहीं कॉलेज नहीं है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आइए आराम से मिल जाएगा आपको कॉलेज। मार होगा आपको कॉलेज में लेने ऊपर से डिस्काउंट भी कहीं दे दे डिस्काउंट तो इसी दे देता अच्छा स्कॉलरशिप वगैरह तो कोई बात नहीं। कभी डिटेल्ड वीडियो अगर मौका मिला तो हम वीडियो बना लेंगे उसमें, तो फिर पता चल जाएगा जिन लोगों को अगर एडमिशन वगैरह लेना हो इधर प्राइवेट कॉलेज में तो फिर उन लोगों के लिए हो जाएगा बेनिफिशियल। नहीं नहीं अच्छा